हेलो स्टूडेंट्स, आज लेके आया हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। ओके, तो इंट्रोडक्शन का टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं वीडियो की ओर। मैटर इन आवर सराउंडिंग समझिएगा बहुत ध्यान से। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब होता है कि आसपास में जो भी वातावरण है हमारे, वो किस चीज से, तो बोलोगे आप किस चीज से बना हुआ है, वो मैटर से बना हुआ है। अब मैटर क्या होता है उसको समझो। मैटर का हिंदी होता है पदार्थ, ठीक है। पदार्थ भी समझ में आ रहा है तो एक और तरीके से समझाता हूँ। देखो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। हर वो चीज, एवरीथिंग जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। कहाँ ऑक्यूपाई कर ले, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर इस एटमॉस्फेयर में खुद का एक स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है ना। इस खुद का एक, इसका एक शेप है, डेफिनेट शेप है, और इसका खुद का एक वेट भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, शेप है, वेट भी है इसका खुद का, है ना। तो जो भी एटमॉस्फेयर में खुद का शेप रखता हो और खुद का वेट ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका मैटर कहलाएगा। क्लियर है? तो देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास में हमारी आंखों से दिखने वाली हर वो चीज जो जो कि बनी हुई है, किस चीज से, मैटर से बनी हुई है, ठीक है। मतलब मैटर का मतलब पार्टिकल समझ सकते हो आप, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं हर वो चीज जो जो भी हमारे आंख खुली आंखों से देख सकते हैं, वो क्या है, मैटर है। क्लियर है? अब देखिए कि प्रीवियस में क्या हुआ था, जो पुराने जमाने में जिस समय साइंस के ऊपर शोध चल रहा था, जिस समय साइंस के ऊपर खोज कर रहे थे साइंटिस्ट, उसमें क्या हुआ था कि मैटर के बारे में पता लगाया जा रहा था। तो हमारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि मैटर का क्लासिफिकेशन 5 भागों में हुआ है। मैटर के जो पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 5 भाग से, उनके 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन से, तो देखो, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। मतलब क्या है कि जो मैटर शुरू में जो साइंस बताई गई थी, उसमें क्या है, इसको बोला जाता है पंच तत्व। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैच हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका एक एक वर्ड मैच हो जाएगा आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। तो शुरू में क्लासिफिकेशन किस तरह का हुआ था, ओल्ड फिलोसोफर सेड दैट मैटर हैज इन 5 स्टेट्स, है ना। मैटर के कितने स्टेट थे, 5 स्टेट थे। कौन कौन से, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, है ना। इसको पंच तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच तत्व। आप जानते हो कि अभी भी वेद वगैरह में पढ़ते हो कि हर चीज पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है, हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। तो ये हमारे जो पहले के साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, ओल्ड फिलोसोफर थे, उन्होंने बता चुके हैं ये चीज, है ना। अब जो न्यू थ्योरी आई है, जो नए नए साइंटिस्ट अब खोज कर रहे हैं, उन्होंने बोले हैं कि मैटर को टू क्राइटेरिया में बांटा गया है। कितने पार्ट में, अब जो न्यू साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोले हैं कि मैटर को हम दो तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला किस तरह से, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और केमिकल स्टेट के बेसिस पर, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और केमिकल स्टेट के बेसिस पर, समझिएगा उनको ध्यान से, है ना। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर और केमिकल स्टेट के बेसिस पर, आइए हम फिजिकल स्टेट के बेसिस के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को टू पार्ट में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और सेकंड क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप ऐसा समझ सकते हो जिसमें, जिसको एक बार कर देने के बाद दोबारा से वो चेंज हो सकता है, रिवर्सिबल जिसको बोलते हैं, है ना। रिवर्सिबल प्रॉपर्टी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल, जैसे कि दूध से दही बन जाना, तो फिर से आप दही से दूध नहीं बना सकते हो, ठीक है, उसी को बोलते, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, बर्फ से पानी बन जाना, तो ये क्या हो गया, आप पानी को फिर से बर्फ बना सकते हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आते हैं, बात करेंगे हर चीज को, हर चीज को उठाएंगे, है ना। देखिएगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है, इसका फर्स्ट नेचर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कैसे पता चलेगा, ये एक एक्टिविटी अभी हम करते हैं उसके थ्रू। देखिए मान लीजिए कि 3 बीकर है हमारे पास, क्या है, 3 बीकर है, 100 ml का 3 बीकर है। तीनों बीकर में हाफ हाफ पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, हाफ हाफ पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली एक ही बीकर, पर स्टेट इसके 3 तरह के हैं, वो देखिए। जैसे पहला ये जो बीकर है, इसमें मैं बोल रहा हूं कि आप इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, तो क्वेश्चन ये अराइज होगा, सर क्या नमक, वो जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो आप बोलोगे कि नहीं पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। बट कैसे नहीं आएगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इससे क्या रिलेट हो रहा है, ये जरा समझो यहाँ पे।
कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पार्टिकल से बने हुए हैं, हर चीज पार्टिकल से बना हुआ है, एयर भी मैटर एयर भी पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे देखिए अगर आप देखोगे कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल आपस में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने हुए रहते हैं कि वो न तो कंप्रेस हो सके और न ही वो टूट सके, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, टूटते भी हैं, क्लियर है, कुछ इस तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स बने हुए हैं। और वही लिक्विड का अगर बोलो तो लिक्विड का कुछ इस तरह से, और वही अगर बोलोगे कि गैस का तो गैस के बिल्कुल फ्री पार्टिकल्स है ना, तभी तो गैस जो है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव कर जाती है, आते हैं गैस के ऊपर भी। अभी हम इसको देखते हैं ना, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे ऐसे समझो कि जो पानी है इसके अंदर, अगर मैं एक चम्मच इसमें अगर मैं नमक ऐड करूं, एक चम्मच नमक ऐड करूं, तो वो नमक आखिर गया कहां, सही है, पानी का लेवल भी ऊपर नहीं आया, नमक भी गायब हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए इसमें मैंने नमक डाला, क्लियर है, नमक डाला। अब सेकंड वाले स्टेप में देखोगे कि नमक के जो पार्टिकल्स है, नमक घुलने के बाद, नमक जैसे इसके अंदर आया तो आपने स्टिर किए तो वो घुला उसमें, है ना, तो घुलने के बाद जो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसने जगह किसकी किसकी ले लिए, ये जो वाटर का पार्टिकल जो जगह बचा हुआ है, वाटर के कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, आप बोलोगे वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े से फ्री होते हैं, है ना, थोड़े से क्या है, थोड़े से फ्री मॉलिक्यूल्स है वाटर के, और एयर का सबसे ज्यादा फ्री है ना। सॉलिड जो है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि ना के बराबर दब सकता है, ना के बराबर दब सकता है ना, और जो लिक्विड का पार्टिकल है वो कंप्रेसिबल है, थोड़ा कंप्रेसिबल है, ज्यादा लिक्विड भी नहीं दबता है, लेकिन एयर का पार्टिकल, एयर के जो पार्टिकल है वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि आप कंप्रेस करके अपने टायर में भी हवा भर देते हो, है ना, बलून में भी हवा भर देते हैं, फिर उसी एयर 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 के थ्रू तो हम एलपीजी भरते हैं सिलेंडर में, है ना। तो देखिए कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो बिल्कुल आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं, मजबूत वाला बॉन्ड, है ना, ये आपस में ब्रेक नहीं होता है, लेकिन ये पार्ट क्या है, बिल्कुल फ्रीली मूव कर जाता है, सेकंड वाला लिक्विड, और जो एयर के पार्टिकल्स है वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री मूव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि अगर आपने इसमें नमक डाले, किसमें, पानी में नमक डाले, तो जो पार्टिकल्स थे किसके, नमक के, वो सेटअप वो कहाँ आके जम गए, वो कहाँ किसकी जगह ले लिए, तो आप बोलोगे कि जो लिक्विड के बीच में स्पेस है सर, जो लिक्विड के बीच में स्पेस है उसकी जगह ले लिए किसमें, नमक के पार्टिकल, नमक के पार्टिकल, या फिर आप शक्कर मिलाओ उसमें, चीनी मिलाओ, या फिर कोई कलर मिलाओ, तो पानी का लेवल जो है वो ऊपर क्यों नहीं आता है मिलने वाले ऑब्जेक्ट से, इसलिए ऊपर नहीं आता है क्योंकि वो जो पार्टिकल है वो जगह किसकी ले लेता है, उस खाली स्पेस की, ओके, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करते रहते हैं। जरा देखिएगा, एक एक्टिविटी है कि अगर मान लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं और इस रूम में अगर मैं यहाँ पर इंसेंस स्टिक जला दूं, इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती, है ना, अगर यहाँ पर मैं एक अगरबत्ती इसको फ्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लेम कर दिया मैंने इस अगरबत्ती को, तो अब जब ये अगरबत्ती जलेगी तो आप अगर जाके इस एरिया में स्मेल करोगे, इस एरिया में जाके इसके पास सूंघोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो इसका स्मेल है, इसका जो सेंट है वो बहुत तेज है ना, क्या है, हायर है यहाँ पे, है ना। तो अब मेरे को बताओ कि जब ये जला यहाँ पर है तो इस पोर्शन पे पहुंचने में इसको टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। इसका मतलब कि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, किस तरह के, ये जो इसके पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, मैटर के पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। इसका मतलब ये है कि जहां पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सेंट्स है ना, मान लो ये क्या है, अगरबत्ती है तुम्हारा, यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा सेंट है, अब इस एरिया से सबसे ज्यादा डिफ्यूज होके किस पोर्शन में जाएगा, जहां पे इसका सेंट नहीं है उस पोर्शन पे ही ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो परफ्यूम है या फिर कोई भी गैस है वो कहां से कैसे ट्रेवल करती है, तो आप बोलोगे हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन,
ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन कैसे फ्लो करती है गैस? तो आप बोलोगे कि हायर कंसेंट्रेशन में पहले था, पहले बड़े अमाउंट में था, अब ये कहां, यहां से कहां ट्रेवल होके जा रहा है? जैसे अगर आप मच्छर मारने के लिए अगरबत्ती लगाते हो या फिर पूजा पूजा रूम में कोई भी अगरबत्ती लगाते हो, तो अगर आप एक कोने में अगरबत्ती जलाओ तो आप देखते हो पूरा रूम सेंट से भर गया है ना, या फिर मच्छर मच्छर वाली अगरबत्ती जलाते हो तो देखते हो कि वहां जलाए हैं यहाँ मच्छर मर गया है ना। तो जब ऐसा किए तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में गैस क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, आइए उसकी ओर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एक तरह से समझ सकते हो कि मैटर के किस क्या क्या स्टेट हो सकते हैं, मैटर किस किस जगह पे एग्जिस्ट करता है, किस किस तरह से मैटर हो सकते हैं। तो आप आसपास के सराउंडिंग्स में देखते रहोगे कि आपको मोस्टली तीन से तीन तरह के चीजें देखने को मिलती है। एक क्या मिलेगा, एक बिल्कुल जो मजबूत होगा जिसको सॉलिड बोलते हो है ना, और एक जो आप पीते हो पानी है ना, पानी। और नेक्स्ट क्या है, सॉलिड लिक्विड एंड थर्ड एयर या फिर गैस है ना। चलो देखो तो हम लिख लेते हैं, तीन पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, सॉलिड, दूसरा क्या है, लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैसेस, गैस फॉर्म है ना, गैसेस फॉर्म में रहता है। पहला क्या है, सॉलिड, दूसरा क्या है, गैस, और दूसरा क्या है, लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैस है ना। तो अब देखो कि सॉलिड की अगर मैं बात करूं, द सॉलिड स्टेट, किसकी बात करूं, द सॉलिड स्टेट की बात करूं, द सॉलिड स्टेट, इस स्टेट में क्या होता है कि सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि डेफिनेट शेप। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, डेफिनेट शेप। जैसे मुझे बताओ कि अगर आपके पास कोई भी चीज है, आपका एक फोन है आपके पास, तो अगर आप देखो तो उसका एक डेफिनेट शेप होता है ना, क्या होता है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उसकी बाउंड्रीज क्या होती है, फिक्स होती है, बिल्कुल विजिबल होती है, बिल्कुल फिक्स बाउंड्रीज होती है। तो क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है, क्या क्या है, डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। डेफिनेट शेप का मतलब ऐसा समझ लो कि सॉलिड का जब एक बार शेप बन गया तो आप उसको चेंज तो कर सकते हो, बट उसका अभी जो स्टेट है वो बिल्कुल डेफिनेट शेप में रहेगा उसका, क्लियर है। मतलब सॉलिड के पास जैसे कि एक पत्थर हो गया, तो पत्थर का कोई ना कोई कोई भी शेप हो, किसी भी शेप का हो, आधा तिरछा किसी भी शेप का हो, लेकिन एक शेप डेफिनेट शेप तो है, ठीक है, आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि वो किसी शेप का नहीं है, है ना। जैसे कि आप लिक्विड की अगर बात करो तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, अगर उसको पानी ग्लास में पी रहे हो तो ग्लास के शेप का हो गया, कटोरी में डाल दी तो कटोरी का शेप हो गया है ना, किसी और चीज में डाल दी तो किसी और चीज का शेप बन गया, क्लियर है। लेकिन अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड तो क्या है, डेफिनेट शेप है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। हाँ, एक चीज और जान लो, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब फिक्स्ड वॉल्यूम से क्या समझ लो, फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब समझो कि वेट, मास, क्लियर है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम ही होगा, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम होगा, जैसे कि ये एक मार्कर, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, जैसे ग्राम में ही वेट होगा इसका, तो कुछ भी वेट होगा लेकिन होगा इसके पास, इसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होगा वेट का, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इससे ये समझो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप समझ रहे हो कि किसी भी चीज को कंप्रेस करना, दबाना, तो इसके पास क्या है, हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, ना के बराबर, क्लियर है, ना के बराबर। जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे ना, टाइम एंड डिस्टेंस में नेग्लिजिबल की बात की गई है, नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि जिसको ना के बराबर बोल सकते हो आप, तो हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, जिसको आप नहीं के बराबर कंप्रेस कर सकते हो। क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते, जरा देखो, मान लो ये सॉलिड है, क्या है, ये सॉलिड है, तो इसके जो आपस में बॉन्ड होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मैंने बताया था पहले भी कि मैं थोड़े बॉन्ड बड़े बड़े बना दे रहा हूं, है ना, किस तरह के बॉन्ड होते हैं, तो आप देखो कि बिल्कुल आपस में अटैच है ना, बिल्कुल आपस में, कहीं से खाली, थोड़े थोड़े कहीं से खाली है, बट आपस में क्या है, कैसे है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं, इसीलिए ये कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड स्टेट की ओर, किसकी ओर, लिक्विड स्टेट की ओर। अभी वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, डक्टाइल प्रॉपर्टी है, सोलिडस प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो नेक्स्ट बोलिए, मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में और बढ़िया से आपको बता दूंगा, क्लियर है। अभी आते हैं लिक्विड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, द लिक्विड स्टेट,
लिक्विड स्टेट। अब इसकी प्रॉपर्टी देखोगे आप लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, लिक्विड हैज नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि एक ग्लास में से अगर आपके कटोरी में पानी डालोगे तो वो पानी का ट्रिक शेप लेगा, है ना। अगर कटोरी से फिर से ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप लेगा, मतलब बॉटल में डालो तो बॉटल का शेप लेगा, जिस चीज में आप डालो उस चीज का वो शेप ले लेगा। इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से, मान लो लिक्विड, इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होते हैं, आपस में उतने ज्यादा कोलाइड नहीं होते हैं, उतना ज्यादा चिपके हुए नहीं होते हैं, इसीलिए क्या है ये, इसीलिए क्या होता है इसका नॉन डेफिनेट शेप होता है। हाँ, नॉन डेफिनेट शेप होने के साथ साथ इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम से क्या सेंस है ये समझो, फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब अगर एक ग्लास पानी है, मान लो एक लीटर पानी है, आपने उसको बड़े से कटोरे में डाल दिया, तो क्या एक लीटर का पानी था, अब पांच लीटर में चेंज हो जाएगा, एक लीटर का पानी क्या बड़े वाले में डालने पर पांच लीटर का हो गया, नहीं होगा, मतलब कि जो उसका वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, बस उसका शेप चेंज हो जाएगा, क्लियर है। डेफिनेट नॉट नॉट डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम और डेफिनेट वॉल्यूम, क्लियर है। अब देखो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इसकी, वो सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा होती है, सॉलिड की बिल्कुल नहीं होती है ना के बराबर, लेकिन लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस होता है, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में कैसे हैं, बिल्कुल कोलाइड नहीं है, बिल्कुल चिपके हुए नहीं है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा जो थोड़ी सी जो कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है। अब देखिए इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये इसको, ये जो फ्लूड के फॉर्म है, फ्लूड का फॉर्म है, ये समझो कि फ्लूड का मतलब होता है कि बिल्कुल फर्श पे आपने गिराया और बिल्कुल वो बह गया, बहने वाली प्रॉपर्टी होती है इसकी, है ना, फर्श पे आपने बिखेरे और वो चलता चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लूड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गैसियस प्रॉपर्टी की ओर, नेक्स्ट है गैसियस द स्टेट, द गैसियस स्टेट, है ना। इस स्टेट में आप देखोगे कि गैस का कोई डेफिनेट, ये जो एयर है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, आप जिस शेप में डालोगे ये बिल्कुल एट लाइक लिक्विड, है ना, तो इसका क्या है कि कोई डेफिनेट शेप नहीं है, नॉट अ डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है, नॉट डेफिनेट शेप। लेकिन इसकी जो टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है, हायर कंसेंट्रेशन टू हायर, हमने एक्टिविटीज देखे ना इंसेंसिस्टिक वाले एक्टिविटीज है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हायर कंसेंट्रेशन टू, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में फ्लो होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में फ्लो होता है। और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा आप ऐसे देख सकते हो आप कि एक चीज जानो कि जो टेंडेंसी होती है डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू डिफ्यूज, है ना, वो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि किस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है, तो मुझे एक चीज जरा ध्यान से बताओ, मान लो मेरे हाथ में कलर है, ढेर सारा कलर है, कलर पाउडर फॉर्म है, मैंने उसको हवा में बिखेर दिया, तो क्या आप देखोगे कि क्या आपको क्या दिखाई देगा कि पूरा रूम हरा हरा हो गया, पूरा रूम पीला पीला हो गया, ऐसा नहीं है, वो पूरे रूम में थोड़ा ना पीला पीला होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर शटर डाउन हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या अगर मेरे हाथ में कोई पत्थर है, मैंने उसके ऊपर हरा रंग नहीं दिया तो क्या हो गया, पूरा हरा हो गया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं, वो पूरा मिक्स नहीं हुआ उसके अंदर। लेकिन वही अगर आप देखते हो फूड कलर या फिर कोई और कलर अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो बिल्कुल अच्छे से डिफ्यूज हो जाता है, समझ पा रहे हो, वो पूरा अच्छे से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। तो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है इसी तरह से, अब मैं डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखे होंगे कि पानी वगैरह में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, हर मतलब एवरी लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू देयर सर्वाइवल, है ना, हर लिविंग बींग्स को उसकी क्या है, जरूरत है ऑक्सीजन की। तो जब एक्वेटिक एनिमल्स जो है पानी के अंदर जो रहने वाले हैं, आखिर वो ऑक्सीजन को किस तरह लेते होंगे, तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिफ्यूज हो चुका है ना, डिफ्यूज हो चुका है, उसके अंदर मिल चुका है, उसी ऑक्सीजन को वो ले रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है किसमें, लिक्विड में, क्लियर है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। ओके।